Dear students, assalamu alaikum. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर कोर्स, दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक, जो आपका पेपर है दैट इज बेसिक या इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी. इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी मीन्स जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें आपको वो कवर करने हैं. बेसिक चीज़ें जो मैंने कल का आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको आपको टच करना है. ठीक, दिस इज योर सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस. ठीक है, इसके बाहर नहीं जाना है. ठीक, तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी यहीं से आपको डील करना है. नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. टुडे वी विल डिस्कस दीज थिंग्स. ठीक, वी विल डिस्कस दीज ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए. ठीक है, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है हमें. ठीक है, देखिए नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में हमें ये पढ़ना है कि हर एक इंसान का, अगर हम इंसान की बात लें, ठीक है, एक इंसान जो है ना उसका नेचर होता है. ठीक है, इसका नेचर क्या है, इच्छा रदी, इच्छा शरीफ, जो भी है, वट एवर. ठीक, तो इसी तरह से हर किसी सब्जेक्ट का अपना अपना नेचर होता है. ठीक है, एंड सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर हम किसे कहते हैं, सब्जेक्ट एंड मैटर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ से डील करते हैं, जिस चीज़ से हम डील करते हैं, दैट थिंग बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. क्या वो चीज़, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, सोशियोलॉजी में जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं ना एज ए स्टूडेंट, ठीक है, तो बिल्कुल जो एज ए सोशियोलॉजिस्ट, एज ए रिसर्चर, जिस चीज़ से हम डील कर रहे हैं दैट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ठीक, इसके बाद इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में आपको क्या चीज़ टच करनी है, एनलाइटनमेंट हम किसे कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं. ठीक है, अगर किसी भी जगह आप देखोगे, किसी भी बुक में देखोगे, यू विल गेट दीज थिंग्स, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, दीज आर थ्री फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. दीज आर थ्री फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. वह मैंने तो सर एनलाइटनमेंट क्या हो, यस आख मोमेंट आख, थोड़ा सा टच करेंगे हम ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ आए क्या चीज़ हमें यहाँ पे टच करना है. ठीक है, एनलाइटनमेंट हम किसे कहते हैं, एनलाइटनमेंट सिंपली मीन्स गो, इट वाज अ फिलोसफिकल मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी इन यूरोप. मगर इसका मतलब क्या था, टू एक्सेप्ट लॉजिक, रीजन एंड रैशनलिटी एंड रिजेक्ट ओल्ड ट्रेडिशनल डॉगमेटिक सोशो इकोनॉमिक एज वेल एज पोलिटिकल बिलीफ्स. क्या क्या एनलाइटनमेंट उस आख पीरियड आख, ठीक है, बिल्कुल यूस ऑफ यूरोपस मज गो, मगर तेमिक मतलब क्या उस, मुदा मकसद क्या उस, सो उस आख फिलोसफिकल मूवमेंट आख, यस बट बड़ बड़ फिलोसफर्स उस, ठीक है, रूसो उस, एरिस्टोटल उस, बाकी चीज है सारी है बड़ फिलोसफर्स, मगर यम क्या है वनान, यम क्या है यसन एनलाइटनमेंटस मज, यम है वनान, इस हसा करो फोकस करो इस लॉजिकस पे, रीजनस पे, रैशनलिटी पे, जो हमारी अकल तस्लीम करेगी उसी को हमें बिल्कुल बेस बनाना, उसको हमें एक्सेप्ट करना है. जो हमारी अकल तस्लीम नहीं करेगी, जिसके पीछे लॉजिक, जिस चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं होगा, जिस चीज़ के पीछे रीज़न नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा क्यों हो रहा है ये चीज़, तो वो चीज़ एक्सेप्ट हम, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, रिलीजन को अप्रूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं ना, मतलब इसी तरह के चीज़ें वो बता रहे थे कि जिस चीज़ को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ना वो चीज़ ज़रूरी. अगर कोई भी चीज़ हमें सोसाइटी में, जिस चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रैशनलिटी होनी चाहिए. रैशनलिटी मतलब क्या, होगा सोए अकल या तस्लीम, बेस्ड ऑन रीज़न, बेस्ड ऑन रीज़न. अगर हमें दाब लोग, कैस लोग, इसके पीछे कोई कारण होगा ना, ये मैं वन एस टू, ठीक है, तो वो वहाँ पर ये सिचुएशन थी इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, तो उसमें ये सिचुएशन थी कि रिलीजन, होली सोली रिलीजन को वो बिलीफ मानते थे, रिलीजन पे उनका बिलीफ हुआ करता था इतना कि जो भी चीज़ें, जो भी चीज़ें उनके लाइफ में हुआ करती थी, तो मैं समझ, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजन, होली सोली इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजन. कहाँ कह रहे हैं ना, मेहनत तुम्हें सिया गाट, जाहिर सी बात है तुम्हें खड़ा किमें जिम्मा, रिलीजन जिम्मा. इसीलिए ये मूवमेंट आई है, इसने रिजेक्ट किया किस चीज़ को, ओल्ड डॉगमेटिक, कंजर्वेटिव, ठीक है, ट्रेडिशनल, सोशो इकोनॉमिक एज वेल एज पोलिटिकल बिलीफ़ या रिलीजियस बिलीफ़ भी, ठीक है, इसको इसने रिजेक्ट किया, इसने इसको रिजेक्ट किया. पोलिटिकल बिलीफ़ कैसे, फॉर एग्जाम्पल जो समाज में थे, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, वहाँ पे उनका जो मॉनार्की सिस्टम था, बादशाह उस तुम्हें वही वनान कि वनान उस, हे गॉड, यू सज अ गॉड, तुम्हें सूझ बो तुम राज करने खातर, रूल करने खातर, आई एम हैविंग डिवाइन
गॉड जो बादशाह है ना, बादशाह इज पॉजिसिंग डिवाइन पावर्स, डिवाइन पावर्स, ये ऑस द पोजिस मंस एग्जिस्ट गसन कोनी जाए, मगर वो रिलीजन के थ्रू उनको थ्रू पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रहा था। इसीलिए चाहे वो पॉलिटिकल बिलीफ उस थे, चाहे वो ट्रेडिशनल डॉगमेटिक रिलीजियस बिलीफ उस थे, उनको रिजेक्ट किया गया, मगर किसकी वजह से? रीजन की वजह से। किसकी वजह से? लॉजिक की वजह से। किसकी वजह से? रैशनलिटी की वजह से। तीन चीज़ें याद रखना, ठीक है? तो दिस वॉज एनलाइटनमेंट, ये बेसिक आ, हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, मगर आपके जहन में ये चीज़ें उतरनी चाहिए, ठीक छा। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या गो, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या गो, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम इट इज नॉमन क्लेचर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या गो। रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं? सारी बोर्ड चीज़ ये फर्क प्रजनाओं गोटे हमें यहाँ पे। कोई यहाँ पे है जिसको कश्मीरी समझ नहीं आ रहे? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड, यमें कश्मीर यहाँ समझ क्या है कोई? क्लास बॉय, फ्रेंच रेवोल्यूशन किसे हम कहते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन सिंपली इट इज क्लियर फ्रॉम इट इज नॉमन क्लेचर जो उसका नाम है। रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन को समझना, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने से पहले रेवोल्यूशन रिफॉर्मेशन को समझना जरूरी है। रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, रिफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं? देखो, एक होता है चेंज विद इन द सिस्टम या चेंज इन द सिस्टम, दूसरा होता है चेंज ऑफ द सिस्टम। क्या होता है? चेंज विद इन द सिस्टम या चेंज इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है चेंज ऑफ द सिस्टम, ठीक। जो चेंज हमारी सोसाइटी में, कितने सारे सोशल इवल्स है, बहुत सारे सोशल इवल्स है ना, उनको अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे उन इवल्स को रिफॉर्म लाके, क्या? रिफॉर्मेशन, थ्रू रिफॉर्म लाके, तो उसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम को चेंज नहीं करना, बल्कि सिस्टम में जो चीज़ें हैं ना, जो गलत चीज़ें हैं ना, उसको सुधारना, उसको हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन। रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? रेवोल्यूशन मीन चेंज ऑफ द सिस्टम, चेंज ऑफ द सिस्टम। वो होते क्या चीज, जब सोसाइटी चेंज, कार्ल मार्क्स की बात, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स कह रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वो कह रहा है कि ट्राइबल सोसाइटी जिसको उसने एस्टिक सोसाइटी कही है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म उसको कहा है, ठीक है। तो बिल्कुल दैट वॉज ट्राइबल सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, ठीक। उसके बाद आई एंशियंट सोसाइटी, उसके बाद आई फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद आई कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसके बाद क्या सोशलिस्टिक सोसाइटी, ठीक है। ये जो सोसाइटी चेंज हुई है ना, चेंज ऑफ द सिस्टम हुआ है। क्या हुआ? पूरी जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था, पूरा स्ट्रक्चर में चेंजेस आई थी, उल्टा पलट अथवा नॉइस, ठीक है। तो चेंज विद इन द सिस्टम बिल्कुल उन्होंने नहीं लाई, बल्कि चेंज ऑफ द सिस्टम किया। जो हमारा करंट सिस्टम है ना, इसको पूरा बदल देना, न कि विद इन चेंजेस लाना, विद इन, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जब पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरे सिस्टम को बदल देंगे हम, बदलने की कोशिश करेंगे, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। समझाओ, रिफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन याद थे जो। कार्ल मार्क्स वाज ए रेवोल्यूशनरी फिलोसोफर, सो बिलीव करना रेवोल्यूशन, ये आपको आगे पढ़ना है। अगस्कोम इमाल दुर्खाइम, ठीक है, अगस्कोम इमाल दुर्खाइम, ये वो सोशलिस्ट थे जो रिफॉर्मेशन पे बिलीव करते थे। किस पे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम किसी कंफ्यूज मत बैठे। रिफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन में ये फर्क है, आइए फर्स्ट सेमेस्टर कहां, किस क्लास में सुनी छी 20 20, ये क्या बोलो सॉरी, फर्स्ट सेमेस्टर तो ये दे दो, रात ये क्लासेस में दे दो, यहीं पे आपने क्लास दिया ना, दरवाजा कर बंद, तो ये रात ये दे दो क्लास दोनों ही थी। रिफॉर्मेशन है रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, रिफॉर्मेशन किसे कहते हैं और रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, समझ आओ। रेवोल्यूशन वो कार्ल मार्क्स वो टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशन, रिफॉर्मेशन के बारे में कौन बता रहा था? इमाल दुर्खाइम एंड अगस्कोम, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आ रही है, जब हमने रेवोल्यूशन किसे हम कहते हैं, जब बड़े पैमाने पे चेंजेस आएंगे तो उसको, चीज को हम क्या कह सकते हैं? रेवोल्यूशन। जब पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा उस चीज को हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जब विद इन सिस्टम चेंजेस आ जाएंगे उस चीज को हम क्या कहेंगे? इसको रिफॉर्मेशन कहेंगे, समझा? ठीक, फ्रेंच यहां पे बात हो रही है, फ्रेंच यहां में रिफॉर्मेशन मत है यहां पे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, बड़े पैमाने पे चेंजेस, पूरा सिस्टम चेंज हो जाना, मगर कहां पे? कैज, व्हाई, व्हाई एनलाइटनमेंट, बिकॉज, और कोई, या ऐसे तो प्रोमो ट्वेल्थ में जिसके पास सोशोलॉजी होगी, तो मैं सोशोलॉजी इस पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं, क्या कहते हैं?
फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं। क्यों पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहा करते हैं? क्योंकि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन था जहाँ पे एक इंसान को पॉलिटिकल राइट मिला, राइट टू वोट इसे मिला, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले राइट टू वोट की जिक्र हो रही है, तो इसीलिए इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ? मोनार्की सिस्टम हुआ। क्या हुआ? मोनार्की सिस्टम बादशाह, इसके वन अरबस में छा इतने कहेंगे मोनार्की सिस्टम एवरीवेयर इन यूरोप फ्रांस में भी था। तो फ्रांस में वो जो बादशाह था उसको, उसका नाम था लुई 16। क्या था? लुई 16। जैसे सऊदी अरबस में छा हेरिडिट्री यून, मतलब यूस मारे तेम सुद कस नेचू या तेम सुद नेचू एटसेट्रा ऐसे चला रहा है। तो इथे कहीं उस लुई बादशाह ना गोडनिकस बादशाह पता है तुम गंजराव यह गोडनिक दोयम त्रयम बराबर कतम बादशाह 16 बादशाह लुई 16 लुई 16 ठीक है। लुई 16 ये क्या उमन काम यो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन लोगों को एक्सप्लॉइट किया करता था, लोगों के हक छीन रहा था, लोगों के राइट्स खा रहा था, लोगों को लिबर्टी देने से मना कर रहा था, लोगों को राइट टू वोट देने से मना कर रहा था, लोगों को डेमोक्रेटिक वे में रहने के लिए बिल्कुल उससे बिल्कुल क्या एक्सप्लॉइट कर रहा था। ठीक है, ये लोग तंग आए ना जब लोगों ने रीज़न पे फोकस किया, ये तुम्हें लॉजिकस पर लॉजिक समझ आओ, ये तुम्हें रैशनलिटी अकल आए जो हो रहा है समाज में वो ठीक नहीं हो रहा है, उन्होंने बड़े पैमाने पे चेंजेस लाए ताकि बादशाह सिस्टम मोनार्की को रिप्लेस करने के लिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेमोक्रेसी, दैट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड समझा हुआ। मगर उसके बिलीफ्स क्या थे? टू गेट इक्वालिटी, टू गेट लिबर्टी, टू गेट राइट टू वोट, टू गेट या टू लिव विद फ्रेटर्निटी भाईचारा से सबके साथ रहना, ठीक है, एंड टू ब्रिंग डेमोक्रेसी इन द सिस्टम, टू लिव विद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी राइट टू वोट, हमको राइट टू वोट दो, राइट टू लिबर्टी दो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई कैसे, किसके थ्रू? फ्रेंच रेवोल्यूशन। होता है समझ? ये हम फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ताकि आपको लगे कि मतलब सोशोलॉजी पढ़ ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके यह नाव वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब बड़े पैमाने पे चेंजेस आएंगे, जब पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे आगे क्या है? तो इट मीन्स दैट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, है ना, रेवोल्यूशन रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। ये कहाँ हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? कहाँ पे हुआ? कहाँ पे? लंदन, इंग्लैंड में, है ना। तो इंग्लैंड में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। मगर वहाँ पे कैसे हुआ ये चीज़ कैसे हुआ कि इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा वजूद में आ गए, इंडस्ट्रीज का इतना ज़्यादा सेटअप बन के आ गया सोसाइटी में कि लोग मजबूर हो गए, इतने बड़े पैमाने पे चेंजेस आए कि हर जगह बिल्कुल आपको इंडस्ट्रीज ही दिखती थी, ठीक है। तो इसीलिए लोग मजबूर हो गए इसको रेवोल्यूशन का नाम देने के लिए, ताकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए हुआ ताकि जो हर एक सिटीजन के जो नीड्स हैं ना वो फुलफिल हो जाए, विद इन लेस टाइम वी कैन प्रोड्यूस मोर थिंग्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज रिगार्डिंग दैट कि हमारे जो सिटीजन, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने वादा किया था ना इक्वलिटी फॉर ऑल, लिबर्टी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, है ना। तो अगर मैं चीज़ अवेलेबल छो, आपको भी मुहैया होना चाहिए ना, आपको भी बिल्कुल क्या, अगर आप इसको इस्तेमाल, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहे, किसी चीज़ की आपको नीड हो तो आपको वो बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, सो ही गए ना इक्वलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले क्या था डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के से पहले क्या था, डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ें बनाते थे, जैसे यहाँ ऐसे पज बनाऊँ, गैरी कलिन बनाऊँ, गप बनाऊँ, जो चादर ऐसे बनाऊँ या बाकी चीज़ें बनाऊँ जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, उसको हम घर पे डोमेस्टिक लेवल पे बनाते थे। मगर आजकल आप घर में चीज़ें बना रहे हो नहीं, बल्कि क्या इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यही चीज़ उस तमसाद कहते इंग्लैंडस में वहाँ पे कि लोगों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए या इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए या बिजनेस इकोनॉमिकली साउंड बनने के लिए, अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली साउंड बनाने के लिए उन्होंने जो अपने एक्सपोर्ट्स हैं ना वो बढ़ाए, क्या वो बढ़ाए, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगा। मगर ये कैसे पॉसिबल था?
जब वो डोमेस्टिक लेवल से हट के इंडस्ट्रियल लेवल पे आ गए. क्या? इंडस्ट्रियल लेवल पे आ गए. डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ें एक दिन में एक स्वेटर को तैयार करते थे, मगर इंडस्ट्री सेटअप करके एक दिन में 50 या 40 या 1,00,000 स्वेटर को तैयार करते थे. वहीं उस फायदे हाथ मज हाथ मज मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पन मेरिट्स तो पन डे मेरिट्स. ठीक है, डोमेस्टिक रेवोल्यूशन सॉरी डोमेस्टिक वर्कर्स पन मेरिट्स तो पन डे मेरिट्स. ठीक है, तो यह बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमेटो वर. हाँ, याद रखना जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डिमेरिट्स थे. क्या थे? डिमेरिट्स थे. जो नेगेटिव असरात के, किस चीज के? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उन्होंने ही जो नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव चीजें थे ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उन्होंने ही सोशियोलॉजी को जन्म दिया. क्या? ये अभी आपको समझ नहीं आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको. फिलहाल तो ध्यान से मंच याद रखो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो नेगेटिव असरात थे लोगों पे, सोसाइटी पे, इसी ने सोशियोलॉजी को जन्म दिया या सोशियोलॉजी को इमर्ज होने पे मजबूर किया. ठीक ठीक, ये उन्होंने समझ फिलहाल किया. आज आएगा आपको रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, फिलॉसफी एंड एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है आपको. ठीक है, इसमें आपको रिलेशनशिप फिलॉसफी कितकन से रिलेटेड विद सोशियोलॉजी, फिलॉसफी कितकन से डिफरेंट विद सोशियोलॉजी. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी कितकन से डिफरेंट विद क्या? सोशियोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी कितकन से सिमिलैरिटी विद सोशियोलॉजी. ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें से. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? स्कूल्स ऑफ थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट, फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट एंड सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है? याद है जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि सोशियोलॉजी इज इंडिपेंडेंट एंड सोशियोलॉजी इज नॉट द मिक्सचर ऑफ वेरियस सोशल साइंसेस. क्या वनन? फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि सोशियोलॉजी इज नॉट मिक्सचर ऑफ वेरियस सोशल साइंसेस, इट इज हैविंग एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट इज ओन. अच्छ क्या? पनी एग्जिस्टेंस. यह हा इंडिपेंडेंट. यह कुछ वनान फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, एंड फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट फोकसेस ऑन फॉर्म्स, फोकसेस ऑन शेप्स. किसके पास बोतल है? बोतल से कैसे बोतल दे यू दे यू शीजन. देखो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट क्या वन? फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट वन सोसाइटी है हमारी, है ना, या इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो फैमिली हो, रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, जो भी एजुकेशन हो. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शेप क्या है, इसकी फॉर्म क्या है. ठीक है, ये हमें फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट बता रहा है, वो इसी पे फोकस कर रहे हैं, मगर व्हाट इज विद इन इट, इस चीज़ पे फोकस. सोशियोलॉजी में सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, सोसाइटी में कोऑपरेशन भी हो रहा है ना. कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये आपको बताएगा कौन? फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट. क्यों हो रहा है, कैसे, किन लोगों के बीच हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मगर सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कह रहा है? सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि सोशियोलॉजी इज डिपेंडेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर सोशल साइंसेज एज वेल. ठीक है, मगर साथ में क्या कह रहा है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सोशल साइंसेज, इट इज द मिक्सचर, इट इज द हॉच पॉच ऑफ वेरियस सोशल साइंसेज. ठीक है, वेरियस सोशल साइंसेज. ठीक है, एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट इज टू स्टडी बोथ फॉर्म एज वेल एज कॉन्टेंट. जो इसमें जो इसकी शेप है किसी इंस्टीट्यूशन की, हमारी सोसाइटी की, ठीक है, और विद इन कैसी चीज़ें हो रही है, इसमें क्या है, ठीक है, उसको भी हमें जहन में या उसकी भी स्टडी करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. टू स्टडी बोथ फॉर्म एज वेल एज कॉन्टेंट, फॉर्म एज वेल एज कॉन्टेंट, फॉर्म एज वेल एज कॉन्टेंट. कौन बता रहा है? सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट. ठीक है, कंपैरिजन जब हम फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन ड्रा द कंक्लूजन. ठीक है, वी कैन मेक द कंक्लूजन. इसके बाद सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन. सोसाइटी हम किसे कहते हैं, कम्युनिटी हम किसे कहते हैं, एसोसिएशन किसे कहते हैं और इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं. मगर इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मगर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी आपको वो पढ़ना है. ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं यहीं से कह रहा हूँ, मगर आपको पढ़ना है. क्या पढ़ना है?
वो चीज़, वो क्या है, पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी. पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी, तुम चे त्रे पर्सपेक्टिव्स यूवन, आख चे फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूवन, क्या चे फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूवन, दोयम यूस हासा चे सु चे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यूवन, क्या चे वनन ता चे मार्क्सिज्म ते वनन, क्या चे वनन मार्क्सिज्म, MARXISM, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं, हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, या मार्क्सिज्म भी कहते हैं. जो थर्ड वाला पर्सपेक्टिव है, जो थ्योरी है, जो मेन थ्योरी है सोशियोलॉजी में, वो है इंट्रैक्शनिज्म. क्या है, या जिसको हम इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, क्या है, जिसको हम इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं. फिर इंट्रैक्शनिज्म की अलग चीज़ है, उसमें सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म आता है, वो हम डिस्कस करेंगे. मगर इसके बाद हमें कवर करना है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन सोशल ग्रुप प्राइमरी एंड सेकेंडरी और रेफरेंस ग्रुप इसके साथ, ठीक है. प्राइमरी ग्रुप किसे कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप किसे कहते हैं, और रेफरेंस ग्रुप कैसे कहते हैं, ठीक है. रोल स्टेटस, रोल स्टेटस, तो रोल कथ वन, तो स्टेटस कथ वन, क्वेश्चन प्रसाद हो, रोल किसे कहते हैं और स्टेटस किसे कहते हैं, रोल कहान तो स्टेटस कहान, रोल तो स्टेटस. आप एक इंसान को जो असाइनमेंट दिया जाता है अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपने कॉलेज में, अपने जिसमें जहां पे भी, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए मदर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए बाकी चीज, उसको असाइनमेंट दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि आप ये चीज़ प्ले करो, इस चीज़ मतलब ये काम करो, ठीक है. वो उसका रोल होता है, क्या होता है, फादर अच्छी रोल दे कर सकते कंट्रोल क्या फैमिली, टीचर अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिन असाइनमेंट दिन ऐसे पढ़ना सा, डॉक्टर अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कर सा ट्रीट पेशेंट, इंजीनियर अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिन ऐसे कर सा काम ऐसे बना सा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर ऐसे कर सा, ये सारे ये काम छ ना रिलेटेड टू इंडिविजुअल, अच्छा वन ने क्या स्टेटस कथ वन, स्टेटस, स्टेटस किसे कहते हैं, सोसाइटी में बहुत सारी पोजिशनज है ना, सोसाइटी में बहुत सारी पोजिशनज है, पोजिशनज मीनस गो जगह, जाय, मतलब बॉय सन जाय छक बेनी हन जाय मदर हन जाय वाइफ हन जाय, ये मतलब जगह जहाँ पे एक इंसान रह सकता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर छ आख पोजीशन छ ना, या टीचर छ आख पोजीशन छ ना, तो जो वो पोजीशनस है या एक इंसान की पोजीशन क्या है सोसाइटी में, उसको हम स्टेटस कहते हैं. क्या कहते हैं, का यस हासा एक प्रैक्टिकल इंसान, जो भी इंसान है ना सोसाइटी में, उसकी कोई ना कोई जगह है, कोई ना कोई जगह है, कोई ना कोई पोजीशन है, मगर कहाँ पे, सोसाइटी में. जो वो जगह है एक इंसान की सोसाइटी में, उसको हम स्टेटस कहते हैं. क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ फादर, एम चुन अचीव्ड कोरमुत किए, एम चुन हासिल कोरमुत किए, बल्कि इट इज एस्क्राइब्ड, इट इज कहाँ ब्राह्मण, कहाँ क्षत्रिय, कहाँ वैश्य, कहाँ बाकी चीज, यह बाय बर्थ, बाय आन एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो बाय बर्थ होगी, जिसके लिए आपको मेहनत ना करनी पड़ी, ठीक है, तो पड़ेगी, ठीक है. इसके अलावा अचीव्ड, अचीव्ड किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल बास बाय बर्थ टीचर, बाय बर्थ ऐसे कहाँ डॉक्टर, उसको अचीव करना पड़ता है. ये जो पोजिशन है ना सोसाइटी में, जो मैंने पोजिशन ली है, डॉक्टर ने ली है, बाकी इंसान ने और किसी इंसान ने ली है, जिसने जुदोजहद की, जिसने हार्डवर्क किया है, उसकी पोजिशन क्या है, अचीव्ड, उसको हम अचीवर स्टेटस कहते हैं. क्या, जहाँ जहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम तक आ जाएगी या जिस पोजीशन पे हम बैठेंगे, मगर थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू हार्ड वर्क, उसको हम क्या कहते हैं, अचीवर स्टेटस. स्टेटस कथ वन वही, स्टेटस कथ वन वही, एनी पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन इन सोसाइटी, तक पोजीशन क्या वनो अस, तक जगह क्या वनो अस, स्टेटस. समझ आवा, तथ पोजिशन वन स्टेटस. नॉर्मस एंड वैल्यूज, नॉर्मस हम किसे कहते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे बिल्कुल रूल्स है, ठीक है, नॉर्मस है, या सिंपली वी कैन से दैट स्पेसिफिक गाइडलाइन, स्पेसिफिक दैट मोल्ड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर वे, दैट मोल्ड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर वे. याद रखना स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या चीज़, स्पेसिफिक, खास गाइडलाइंस which directs या which molds individual behavior in a specific way, in a specific, उसको हम क्या कहेंगे, norms कहेंगे. क्या कहेंगे, norms. values किसे कहते हैं, these are general guidelines, specific मैंने use नहीं किया, क्या
जनरल गाइडलाइंस विच डायरेक्ट इंडिविजुअल्स बिहेवियर, उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यूज। फर्क पूछू क्या है वैल्यूज और नॉर्मल्स में? फर्क क्या है? नॉर्मल्स स्पेसिफिक, नॉर्मल्स आर द स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड वैल्यूज आर द जनरल गाइडलाइंस। वैल्यूज आर द जनरल गाइडलाइंस। फॉकवेज एंड मोरस, फॉकवेज एंड मोरस। फॉकवेज, फॉक मीन्स फॉकवेज, लकन हिंद वेज। फॉक मीन्स लोगों के, फॉकवेज, फॉकवेज, वेज, फॉक एंड वेज, वेज ऑफ द पीपल, लोग क्या कर रहे हैं, इसके बात खेन, इसके ड्रेस लागन, ठीक है, इसके चाय चुन, इसके कत कर सारे वन फॉकवेज। क्या वन समझ आवा किसे हम फॉकवेज कहते हैं? लोगों के वेज के, लोगों के तरीकों को हम क्या कहते हैं? फॉकवेज। लोगों के जो तरीके हैं ना जिंदगी बसर करने के, ठीक है, लोगों के क्या हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को बिल्कुल, चाहे वो ड्रेसिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पीने बात करने के रिलेटेड हो, उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फॉकवेज, ठीक है। इसके बाद मोरस, मोरस कहते हैं वो उन चीज़ों को जो इंसान के वेलफेयर के रिलेटेड हो। कुछ नॉर्म्स सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो इंसान के वेलफेयर के लिए होते हैं, उन नॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? मोरस। यहाँ पे ये भी नॉर्म्स है, फॉकवेज भी नॉर्म्स है और मोरस भी नॉर्म्स है, ठीक है। मोरस में पेनल्टी लगती है, मोरस में पनिशमेंट लगता है, फॉकवेज में पनिशमेंट मैं छुपा नहीं मर्जी बुखे हमारे चमचे से बात की मुझे हाथ से बात आत्मा लाइन में कहीं पेनल्टी है। अगर बहुत कॉलेजेस भर ये पब्लिक प्रॉपर्टी कॉलेजेस भर कहीं आज पढ़ा बस शीशे अत मे क्या लगे मैं ये मेरे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अगर ब्रिजस कदलस वात नुकसान सो कम खातर पब्लिक वेलफेयर के लिए है ना कि मैं लग रहा पेनल्टी आई विल गेट पनिशमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मोरस भी नॉर्मल है, फॉकवेज भी नॉर्मल है। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं लगता है, यहाँ पे ये वेलफेयर के लिए, ये वेलफेयर के लिए, समझावा थोड़ा। इसके बाद 5 मिनट है, स्टिल वी हैव 5 मिनट्स। सोशल प्रोसेस, लास्ट यूनिट सोशल प्रोसेस। जैसे मैंने आपको कल बता दिया सोशल प्रोसेस, प्रोसेस कथ वन, प्रोसेस कथ वन, प्रोसेस कोई भी चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? और सोसाइटी में कौन सा चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है? सोशल चेंज है, सोशलाइजेशन है, सोशल कंट्रोल है, सोशल चेंज, ठीक है। सोशल चेंज आने में एक इंसान बहुत सारे आगे पढ़ोगे आप, ठीक है, धीरे धीरे चेंज आती है, ठीक है, चेंज आने में टाइम लगता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, ठीक। एजुकेशन सिस्टम को हम एट अ टाइम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, बल्कि क्या स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। गॉडनेस ऑफ यून ब्लैक बोर्ड ऑफ यून पता वाइट बोर्ड हा ना वहीं क्या हो क्या कहते ना सारी बोर्ड थो तो वह वही नहीं रुका रहा, ठीक है। तो ये मतलब चेंज आने में टाइम लगता है, स्टेप बाई, इट इज़ अ प्रोसेस। एक इंसान सोशलाइज हो रहा है, बुझ जो टाइम वो तो मैं पता ठीक क्या को गलत क्या को, मगर ये मैं बचपन पता पता ठीक क्या को गलत क्या को, इसको मेरे अंदर इनकलकेट करने में समाने में स्टेप बाई स्टेप टाइम लगा, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें मेरे अंदर आ गई, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ को हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अख इंसान बन गॉडनेथ सोशलाइज्ड, गॉडनेथ ह्यूमन बींग बन, गॉडनेथ सोशल बींग बन, बल्कि एक इंसान जब धीरे धीरे सीख लेता है कल्चर को, ट्रेडिशन को, कस्टम्स को, बिलीफ्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, तो इंसान सोशलाइज होने लगता है, उसको पता चलता है कि ठीक क्या चु गलत क्या चु। उसके बाद सोशल कंट्रोल, अगर तो ये छो अगर तो सोशल सोशलाइजेशन बता दिया ना, ठीक है, सोशल चेंज, सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल आप अपनी सोसाइटी को, अगर सही सोसाइटी जो स्वयं अपनी सोसाइटी में आपको जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वे आर हैविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, वे आर हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, वे आर हैविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिवोर्स रेट, ठीक है, या सुसाइड एटसेट्रा, ठीक। तो इन चीज़ों के ऊपर एट अ टाइम कंट्रोल कर सकते हो, बल्कि टाइम लगेगा। जब तक लोग अवेयर नहीं हो जाएंगे, जब तक लोग लॉजिकली थिंक नहीं करेंगे, जब तक लोगों को इसके पीछे रीज़न समझ नहीं आएगा क्या चीज़ है, क्यों करप्शन को हम रोकना चाहते हैं, क्यों डिवोर्स रेट को हम रुकाना चाहते हैं, क्यों सुसाइड को रोकना चाहते हैं हम, ठीक है। तो तब लोगों को पता चलेगा कि दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो सोशल कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, सोशल कंट्रोल एट अ टाइम नहीं आता, सोशल कंट्रोल इज अ प्रोसेस। इसको कंट्रोल हम अपनी सोसाइटी को हमें कंट्रोल करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे कंट्रोल होने में टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो बता देना, कल से क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।